सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम कुछ ड्रॉ नहीं करने वाले हैं। तो हमने इस मंथ कुछ आर्ट मटेरियल्स परचेज किए थे, मैंने आज नहीं किया है। लगभग मैंने जैसे इस मंथ में जो आर्ट मटेरियल्स मैंने परचेज किया है तो मैं कुछ इकट्ठा हो गया आर्ट मटेरियल्स मेरे पास। तो और मैं भी अपने घर पर नहीं हूँ अपने, तो अभी मैं हूँ इसमें सुल्तानपुर में। मैं मुझे यहाँ पे मार्केट में जितने लगभग आर्ट मटेरियल्स मतलब दिख जाते हैं जो कि मेरे काम के होते हैं, अगर मुझे लगता है कि मेरे काम है तो मैं उसको परचेज कर लेता हूँ। तो कुछ हमने यहाँ पे इकट्ठे कर लिए हैं, तो आपको दिखाता हूँ जो मैं यहाँ पे परचेज किया हूँ। तो दिखाते हैं आपको, और इसमें कुछ ऑनलाइन भी हैं जो कि हमने मंगाया था, बट इसका हमने वीडियो नहीं बना पाया, लेट हो गया था, तो सॉरी इसके लिए, उसके लिए सॉरी फिर। तो आज मैं वो आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, अपनी मेज पे ले चलता हूँ, चलिए देखते हैं उसको। हाँ फिलहाल कुछ इतने सामान लिए हैं, ये रहा मटेरियल, एक मेरा कैमल वाटर कलर ट्यूब कलर, ये जो कि 12 सेट का मतलब 12 सेट्स में है। और ये हमने लिया मास्किंग टेप जो कि स्केचिंग और पेंटिंग्स में बॉर्डर बनाने काम आते हैं। और ये नॉर्मल सा ब्रश क्योंकि हमने अभी काम नहीं लिया, प्रिपरेशन किया कि प्रैक्टिस करना है मुझे इसके लिए। और एक पेपर। सो गाइस हम आ गए अपने ड्राइंग टेबल पर, और अब हम आपको एक एक करके अपने आर्ट सारे आर्ट मटेरियल्स दिखाते हैं जो कि मैंने परचेज किया है अभी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले कलर वो शेडिंग पेंसिल्स से, तो हमने कौन कौन सी आर्ट की पेंसिल्स ली हैं, ड्राइंग पेंसिल्स। तो ये लिया है मैंने डोम्स की 2 पैकेट जो कि डोम्स ड्राइंग पेंसिल्स, तो मुझे मार्केट में दिख गई और मुझे अच्छी भी लगी, तो मैंने अभी आज तक इसको ट्राई नहीं किया था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसका भी इसको भी लिया जाए, तो मैंने इसको 2 पैकेट लिया है। तो इसको भी साइड में रखते हैं। और भी हमने पेंसिल लिए, तो हमने और लिया आर्ट लाइन का एक 10B का सेट, 10B का सेट जो कि हमने एक डिब्बा लिया है। तो ये रहा, ये देख सकते हैं इसमें लिखा 10 लैब आर्ट स्केच पेंसिल जो कि आर्ट लाइन ब्रांड की है। तो ये मुझे लगा कि मेरे काम किया क्योंकि मैं ज़्यादा डार्क ग्रेड यूज़ करता हूँ, इसलिए मेरे को ज़्यादा यूज़ में आती है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 10B, तो ये पूरे 10B का सेट है, इसमें 10 पेंसिल्स होती हैं, तो इसलिए मुझे काफ़ी काम आता है, इसलिए मैंने इसको ले लिया पूरा एक सेट। एक्चुअली डार्क एरियाज में यूज़ करने में ज़्यादा ही मुझे काम लगता है इन पेंसिल्स का, तो इसलिए मैंने इसको पूरा एक डिब्बा ले लिया। तो इसको हम साइड में रखते हैं। और हमने लिया एक 6 सेट का आता है जो आर्ट लाइन का 6 सेट में, जो कि आपको ये HB से लेकर 10B सेट तक मिल जाती है 6 पेंसिल्स में। तो टोटल यहाँ पे 4 डिब्बे पेंसिल्स हो गई हैं, यहाँ पे देखने आपको मिलता है 4 पैकेट्स ऑफ पेंसिल्स। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मटेरियल की तरफ, तो इसको हम पहले साइड में कर देते हैं। जी नेक्स्ट रहा मेरा आर्ट मटेरियल जो कि अप्सरा के मैकेनो इरेजर, तो ये काफ़ी ज़्यादा काम आती है अगर आपके पास जैसे कि मोनो इरेजर नहीं है, बट मेरे पास मोनो इरेजर भी है, तो हमने मेरे को काम आती है ये, तभी फिर मैंने इसको ले लिया जो कि 3 पीस में मैं लिया हूँ इसको। तो ये एक ब्लू कलर में, 2 ब्लू कलर में और एक येलो कलर में। सो इसके मुझे रिफ़िल जल्दी करनी मिलती, इसलिए मैंने इसको 3 पीस में ले लिया है क्योंकि थोड़ा सस्ते भी मिल जाती है 20 रुपये में, तो इसलिए मैंने इसको 3 पीस में ले लिया। आता है मेरा नेक्स्ट आर्ट मटेरियल जो कि मेरे को सच बताऊँ तो काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये, आपको 60 रुपीज़ में जो कि ये 3 पेंसिल का सेट मिल जाएगा आपको, मतलब 3 अलग अलग पॉइंट्स की पेंसिल्स आपको मिल जाएंगी इसमें 3 पीस की। तो ये 59 रुपीज़ आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है जो कि कैमलिन की, तो ये मैंने 2 पीस में ले लिया है। सुबह जिसके बाद मेरा नेक्स्ट मटेरियल है डिटेलिंग नाइफ जो कि आता है डिटेलिंग, तो ये पेन नाइफ की तरह होता है जो कि पेन की तरह होता है, बट ये आगे से इसमें ब्लेड लगी होती है, तो काफ़ी यूज़ आने वाला है इसका भी। मैं इससे कोई आर्ट वर्क ड्रॉ करूँगा जो कि पत्ती वगैरह में की जाता है, तो इसको मैं करूँगा मैं। तो अब नेक्स्ट आर्ट वर्क की तरफ बढ़ता हूँ, तो ये रहा मेरा ब्रुस्टरो का नीडेबल आर्ट इरेजर, तो ये मैंने 2 पीस में ले लिया है, इसको भी हम रखते हैं साइड में। और इसके बाद फिर मैंने लिया है यहाँ पे ब्लेंडर्स जो कि शेडिंग को ब्लेंड करने में काम आता है, तो इसको हमने 1 पैकेट ले लिया क्योंकि उतना ज़्यादा मैं ब्लेंडर यूज़ नहीं करता, ब्रश भी यूज़ करता हूँ, तो मैंने इसको ले भी लिया, काम आता है कहीं कहीं ये, तो इसको मैंने ले लिया। तो मेरा जो नेक्स्ट ये मटेरियल है ये है मोनो इरेजर, तो मैंने मोनो इरेजर तो नहीं मंगवाया था, मैं इसको मंगवाया था किसी से, तो मैंने इसको अपने भैया से मंगवाया था मोनो इरेजर की रिफ़िल, तो वो ध्यान ना देकर के मोनो इरेजर ही लेके चले आए। तो खैर कोई बात नहीं, इसको भी हम यूज़ कर ही लेंगे क्योंकि यूज़ आती है, तो बढ़िया हुआ कि ये मोनो इरेजर भी आ गई मेरे पास, 2 पीस में हो गई, तो ये है। सुबह जिसके बाद मेरा यहाँ पे मैंने लिया है कैमलिन का वाटर कलर केक्स जो कि मुझे यहाँ पे 30 रुपीज़ में मिल गया, तो मेरे को दिखा मार्केट में, तो इसको मैंने ले लिया, इससे भी हम कुछ वाटर कलर्स ट्राई करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है टिशू पेपर्स जो कि शेडिंग को एकदम स्मूथ ब्लेंड करना हो तो काफ़ी काम में आ जाती है, तो इसको भी मैंने ले लिया 1 पैकेट में, तो ये कोई उतना स्पेशल नहीं है महंगा वाला, ये हमने ऐसे ले लिया था। सो उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है कुछ पेंसिल्स जो कि हमने लिया है कुछ ग्लास मार्किंग पेंसिल्स, कुछ ग्रेफाइट पेंसिल्स, तो यहाँ पे हमने 2 लिया है सफ़ेद अप्सरा की ग्लास मार्किंग पेंसिल और एक ग्रीन भी लिया है हमने, वो आपको दिखाई दे रही होगी। और इसमें 2 ग्रेफाइट पेंसिल्स है जो कि एक है अप्सरा की 12 भी, सो इसकी आप लेट देखो कितनी यहाँ पे थिक दिखाई दे रही है, तो इससे ही पता चलेगा कितनी डार्क हो सकती है, ये 12 भी है, अभी तक मैं 10 भी यूज़ किया हूँ, 12 भी यूज़ करके देखूँगा, तो इसको आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा जब यूज़ करूँगा 12 भी, तो इसको भी हम रखते हैं।
और ये रही ग्रीन वाली ग्लास मार्किंग पेंसिल, तो इसका सबको हम साइड में रखते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्ट मटेरियल है जो कि एक शॉर्पनर, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी देखने में। शॉर्पनर और रेजर है कुछ, तो ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे देखने में, अट्रैक्टिव लग रही थी। जिसमें ऊपर ग्लास लगा हुआ है, तो ग्लास कवर है इसका, जो कि आप अगर डस्ट आपका निकलेगा पेंसिल इसके अंदर वो रह जाएगा, तो काफ़ी मुझे अच्छी लगी यार, तो इसके लिए मैंने इसको ले लिया। ज़्यादा महंगी नहीं, मेरे को सिर्फ 10 रुपये की पड़ी। सॉरी ग्लास नहीं, फाइबर है, फाइबर ट्रांसपेरेंट थोड़ा लग। और इसके बाद हमने परचेज़ किया दो ये नॉर्मल सी रेजर्स, दो कि एक बड़ी साइज में और एक छोटी साइज में, तो ये हमने ले लिया था, ऐसे काम लगते रहता है शॉर्पनर है इसमें, सॉरी एक छोटी तो काम आता रहता है, इसलिए हमने इसको ले लिया, तो उसको साइड में करता हूँ। और इसके बाद हमने लिया है जो कि आता है ये प्रिंटिंग पेपर, जिस पर प्रिंट आउट वगैरह निकाला जाता है, तो ये हमने ले लिया प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए। जैसे मुझे फिगर ड्राइंग प्रैक्टिस करनी हो या सर्कल ड्राइंग, मतलब कुछ भी करनी हो, अगर फिगर वगैरह ड्राइंग, तो इस पर हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बढ़िया पेपर है, और भी पेपर पे हम कर सकते हैं, बट इसका और भी हम यूज़ लेने वाले हैं, तो इस पर भी वीडियोज़ आया करेंगे, अगर हम ट्राई करेंगे लाने की वीडियोज़ इस पर, तो इसको भी हम ले लें। तो देखते हैं ये कैसा है। जैसा इतना मोटा है, ये मेरे को 200 रुपये में पड़ गया था, 220 रुपये का, तो ये 500 शीट का पेपर है जो कि A4 साइज में। सो आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे A4 की गई है मार्किंग, और इसका नेट वेट 2.49 kg बताया गया इसमें, और GSM है ये 80 GSM का, और इसमें सीट आपको 500 मिल जा रही है, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो इसको हम लिए हैं बस यही प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए इस पर, और इस और भी यूज़ करेंगे तो वीडियोज़ लाएंगे उस पर हम। तो पीछे इसके बारे में कुछ यहाँ पे दिया गया है, तो ये बिंदल ब्रांड का है, यहाँ पे लिखा है बिंदल फाइन प्रिंट्स, और 80 GSM 500 C, जैसा कि मैंने बताया, तो साइज A4 ही है, तो अब इसको भी हम रखते हैं साइड में। सो उसके बाद आता है मेरा नेक्स्ट आर्ट मटेरियल, जो कि है B+ ब्रांड की A3 साइज की स्केच बुक, जो कि मैंने लिया है। तो ये A3 स्केच नोटबुक यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है, तो ये काफ़ी बड़ी साइज है और अच्छी भी है। तो इसके ऊपर यहाँ पे सील पॉलीथीन की थी, बट मैं इसको फाड़ दिया था वहाँ पे पेपर चेक करने के लिए पेपर क्वालिटी कैसी है, तो पेपर क्वालिटी मुझे बढ़िया लगी, इसलिए इसको मैं ले लिया। और ज़्यादा महंगी भी नहीं मिली थी मुझे, ये शायद मुझे याद नहीं है 60 की 70 रुपये की पड़ गई थी, बस इतने रुपये में इतनी अच्छी मिल गई थी, काफ़ी अच्छा लगा यार। तो ये कुछ अंदर से इस तरह है, तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव अंदर से लग रही है यार, ये जो यहाँ पे स्केच वगैरह किया गया है, वाह। सो इसको हम बंद करते हैं, इसके बाद ये कुछ ऐसा यहाँ पे दिख रहा है, जिसको हम रखते हैं साइड में। सो गाइस इसके बाद मैंने मंगवाया यहाँ पे हैंडमेड पेपर, जो कि ये फोल्ड कर लिया हूँ मैं, और ये काफ़ी बड़ा साइज में था, तो ये फोल्ड कर लिया हूँ A3 साइज में। तो इसको मेरे भैया ने लाया था, और उन्होंने ही फोल्ड करके इस तरह लाया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कट हुआ है एक, तो मैंने एक यूज़ करके देखा, एक प्रैक्टिस कर लिया है एक बार कट करके इस पर, तो ये कट हुआ है यहाँ से। तो ये आप काफ़ी ज़्यादा इसमें टेक्स्चर मिलेगा आपको उसके सरफेस पे, ये एकदम रफ़ टेक्स्चर्ड पेपर है, तो ये वाटर कलर प्रैक्टिस के लिए मैं केवल मंगवाया था, तो मज़ा भी आ रहा है इस पर करने में, मैंने एक बार करके देखा है। तो ये जो इसका सरफेस है ना, आपको हम दिखाते हैं, एकदम काफ़ी रफ सा इसका टेक्स्चर है, ये देख सकते हो, जिसमें कई कई गड्ढे वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, खड्डे वगैरह, तो ये कुछ इसी तरह पेपर है ये। तो इस पर हमने वाटर कलर प्रैक्टिस की, और मज़ा भी आया पहली बार हमने इस पर जैसा कि किया। तो आगे इस पर भी वीडियोज़ आया करेंगी, जब इस पर कोई वाटर कलर पेंटिंग वगैरह करेंगे। तो इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट मटेरियल है वो है कलर पेंसिल्स, जो कि मैंने लिया है डोम्स का और फेबर कैस्टल का। तो डोम्स का मैंने लिया है सिर्फ 24 शेड्स का, और जो फेबर कैस्टल का मैंने लिया है वो लिया है मैंने 36 शेड का। तो आपको हम दिखाते हैं, ये रहा फेबर कैस्टल का, जो कि 36 शेड वाला है, और ये रहा मेरा डोम्स वाला कलर, जो कि है 24 शेड्स में। तो ये काफ़ी अच्छी पैकेजिंग इसके ऊपर से लग रही है, तो इस पर भी वीडियोज़ आएंगे आगे, इस पर जब हम कोई ड्राइंग करेंगे इससे, तो और इससे भी आएंगे, जो फेबर कैसल से भी करूँगा तो, और मैंने किया भी है कई सारी ड्राइंग फेबर कैसल से, बट डोम से नहीं किया हूँ भी, तो इस पर भी वीडियोज़ आया करेंगी, तो देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी से ही। तो इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट एकदम और लास्ट मटेरियल है वो है ये सिंपल सा टेप, जो कि मैंने नॉर्मल यूज़ करता रहता हूँ कहीं ना कहीं, इसको भी ले लिया था मेरे, क्योंकि मुझे लगभग यूज़ आता रहता है। सो गाइस जो कुछ था हमने आपको दिखाया, जो कुछ हमने यहाँ पे परचेस किया था, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल पे आर्ट से रिलेटेड इस तरह के वीडियोस आते रहते हैं, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, अपनी YouTube फैमिली यहाँ पे 1700 की हो गई है, तो जल्दी से इसको 2K करा दो, फिर अपना भी ड्रीम है 100 की का यार, तो जल्दी से होगा ये भी, अगर आप सबका प्यार हम सपोर्ट रहा तो, और हम भी लगातार वीडियोज़ लाएंगे डेली। फिर अभी कुछ दिन यार एग्ज़ाम मेरा होने वाला है, एग्ज़ाम चल रहा है यूनिवर्सिटीज़ का, एंट्रेंस का, BFA का, तो इसी सब के चक्कर में वीडियोज़ डेली नहीं आ पा रही, बट ये सब अगर क्लियर हो जाएगा तो मैं वीडियोज़ डेली लाने की अपना पूरा कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट जोड़ दीजिए इस चैनल पर। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, बाय।